वेलकम टू अनदर व्लॉग्स गाइस। बहुत दिनों के बाद जो है व्लॉग शूट करने का मौका मिला, मतलब बाहर जाने का मौका मिला। तो गाइस ठीक है, फिर से हम जो आ चुके हैं दुधावा बांध। और जो है ये जो है गाइस दुधावा बांध जो है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित है, जो है महानदी जो सिहावा पर्वत से निकला है, ठीक है उसी पर बांध बनाया गया है दुधावा डैम। तो ये वही है ठीक है, जिला कांकेर छत्तीसगढ़। तो आप भी घूमने आ सकते हो गाइस। ये जो है बरसात का मतलब मौसम में जो ये वीडियो है अभी का है जो शूट हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली और इधर जो है न्यू गार्डन का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है तो आप घूमने आ सकते हैं। क्या बेहतरीन लुक दिखता है बरसात के दिनों में। और यहाँ पर जो है एक बार भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण से ये जो डैम है वो मतलब पूरा खाली है, अभी तक भरा नहीं है, वरना यहाँ तक मतलब फुल हो जाता था यहाँ नीचे तक। मतलब बहुत पानी की कमी है, इस वर्ष तो पानी नहीं गिरा है लेकिन अभी गिरने वाला है। तो आप आ सकते हो, मतलब बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा गाइस। तो आप कभी भी घूमने आ सकते हो इधर, बहुत ही एकदम अलग सा फील आएगा आपको, मतलब ऐसा लगेगा एकदम सुकून सा लगेगा, मतलब यहाँ का आकर आपको आपका मन शांत हो जाएगा। यदि आप कहीं टेंशन में हैं या तो कहीं भी हैं, कहीं बाहर घूमने जाइए तो आपका मन शांत हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर आकर आपका मन शांत हो जाएगा। तो आ सकते हो आप भी घूमने। और गाइस बहुत बेहतरीन नज़ारा है, आप बरसात के दिनों में आइए, हरियाली चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देगी आपको। और उसमें पानी मतलब कई ओपी नज़ारा है गाइस, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है 1953 में शुरू हुआ और जो है 1964 में इसका निर्माण मतलब पूरा बन गया, ये तैयार हो गया। और गाइस ये जो है सिहावा से 21 किलोमीटर दूर और कांकेर ज़िले से जो है 29 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ये जो दुधावा बांध बनाया गया है, दुधावा गांव की जो महानदी पर ये बांध बनाया गया है। तो आप यहां पर घूमने आ सकते हो बहुत ही। और इसके जो है दाहिने अब तो दोनों तरफ जो है विश्राम गृह बनाया गया है, आप आकर रुक सकते हो, ठीक है गाइस। और ये देख सकते हो यहां मछली भी पकड़ा जाता है, और इसका जो है ये बहुत लोग जो है मछली पकड़ने आए हैं गाइस। तो आप भी यहाँ पर ताज़ा मछली पकड़ सकते हो आकर, मतलब हर रोज़ शायद ये लोग ले जाने के लिए देते हैं मछुआरों को, और यहाँ से लिया जाता है। तो ये जो है यहाँ मछली पकड़ने का गृह बनाया गया है, देख सकते हो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और हम उधर भी जाएंगे जहाँ पर जो है इको लर्निंग सिस्टम बनाया गया है, मतलब वहाँ पर जो है घूमने का स्थान बनाया गया है, लेकिन अभी बरसात के दिनों में ये बंद कर दिया गया है, ये शायद गर्मी के ही दिनों में ये खुलेगा, ठीक है गाइस। हम उधर भी गए थे और आपको नज़ारा देखने को मिलेगा गाइस। और इसके जो है राइट साइड में जो है एक मंदिर भी है और एक पहाड़ भी है, और इसी पहाड़ और उस पहाड़ से जुड़कर इस मतलब पूरे बांध को बनाया गया है। वैसे अभी पहाड़ जो है बरसात के दिनों में कई मतलब हरा भरा दिखाई देता है, और मंदिर भी है यहाँ पर, तो आप आकर घूम सकते हो। और बस ठीक है, तो नज़ारा देखते रहिए और एंजॉय कीजिए वीडियो। एंड वैसे वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बाय बाय गाइस, अगले वीडियो में फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।